हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज 17 सितंबर 2022 को कर्मचारियों को जो मिल सिक्स पे कमीशन में मिलने वाले एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। ये पहली किस्त कैसे जारी होगी, क्या क्या इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो आपको आइडिया है कि 3 जनवरी 2022 को सिक्स पे कमीशन के जो रिवाइज नोटिफिकेशन, सिक्स पे कमीशन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी और उसमें जो एक रूल नंबर 13 था, उसमें ये बताया गया था कि एरियर जब सरकार कोई इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करेगी तो उस रूल 13 के अकॉर्डिंगली आज इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। और इसमें यह बताया गया है कि ये जो एरियर है, ये जो ये नीचे ग्रुप बना के रखे इन्होंने ABCD, इसके हिसाब से जो है वो इनकी पेमेंट की जाएगी। और ये इन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं बात कर लूँ, जैसे इन्होंने बोला कि ग्रुप ए बी सी जो हैं इनके लिए 50,000 टोटल डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब ये है कि टोटल आपका एरियर कैलकुलेट किया जाएगा और उसमें से जो है आपको 50,000 की जो पेमेंट यहाँ से की जाएगी। बट जो आईआर है, जो आईआर ऑलरेडी आपको 1/16 के बाद दिया गया है, उसकी रिकवरी जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा कर ली जाएगी। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि नो पे एरियर टू द एम्प्लाइज जिन्होंने 15% की ऑप्शन ले रखी है। मीन्स अगर आपने 15% ऑप्शन से अपनी फिक्सेशन कराई है तो आपको एरियर जो है वो नहीं मिलेगा। तीसरा, इन्होंने ये बोला है कि जो आपको आईआर की जो पहले किस्तें जा चुकी हैं उसकी जो है रिकवरी कर ली जाएगी। एरियर क्या था, 1/8/16 से 5% था, 1/8/17 से 9% था और 1/1/16 से 17% था और 1/18 से 21% था। ये आपको अगर आप अपनी सैलरी की ड्रॉन स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो डिडक्शन है, जो आपका डिसबर्समेंट होगी उसमें से TDS अगर कटता है आपका तो TDS कटना पड़ेगा, और अगर आप NPS एम्प्लाइज हैं तो एम्प्लाइज का जो शेयर है वो भी कट के आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और जो मेन इन्होंने बोली है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लाइज के लिए तो है ही है, बट जो UGC स्केल के अंडर कर्मचारी आते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है। अब इसके बाद एक जो मेन क्वेश्चन आ रहा था कि ग्रुप ए बी सी डी क्या है। देखिए, ग्रुप ए में आते हैं जिनका लेवल 16 से लेकर 31 तक है, मीन्स जिनका ग्रेड पे 5,000 से अबव है, ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप बी में आएंगे लेवल 11 से लेकर 15 तक और ग्रुप सी में आएंगे लेवल 3 से लेकर 10 तक और ग्रुप डी में आते हैं लेवल 1 और 2। मीन्स जो क्लास 4 एम्प्लाइज जिनका ग्रेड पे 1800 तक था वो आते हैं लेवल ए में। तो इनके लिए रखा गया जो क्लास 4 हैं उनको सारे के सारा जितना एरियर बन रहा है या मैक्सिमम जो इनको मिलेगा 60,000, ये यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। तो अभी भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, मैं उन क्वेश्चनों को जरूर लूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पेंशनर को भी एरियर मिलेगा इस लेटर के तहत, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लेटर है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ के लिए है और पेंशनर के लिए नहीं है। तो मीन्स पेंशनर के लिए अलग से जो इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाएगी। नंबर 2, इसमें जैसे बात करी गई है कि रिकवरी की जाएगी, जो आईआर ऑलरेडी दिया गया है तो 15% जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखी है उनको ये लग रहा है कि क्या कहीं उनके जो सैलरी से आईआर की रिकवरी नहीं होगी या नहीं होगी, तो मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने बोला है कि जो एरियर, यहाँ इसको पढ़िए, इसमें लिखा है कि रिकवरी की जाएगी जो एरियर दिया जाएगा। मीन्स अगर आपको एरियर नहीं दिया जा रहा तो मीन्स आपसे आईआर की रिकवरी नहीं की जा सकती। तो इसी तरह की और अगर आपके कोई इसकी क्वेरीज हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि कम एक्सेल शीट पे एरियर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो एक रफ सा मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अटैचमेंट देने की, ताकि आप भी अपना उसमें जो है वो पे एरियर कैलकुलेट कर सकें। इसी तरह की मैं वीडियो आपके साथ अपडेट करते रहता हूँ। ये मेरा चैनल है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन
पहुंचते रह सके। मुझे लगता है 50,000 का एरियर एक हम लोगों के लिए त्यौहार का तोहफा सरकार ने दिया है, और अच्छी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला जो हमारी सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी जल्दी गवर्नमेंट सरकार जो जारी कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्या। जय हिंद, जय हिमाचल।